हाय गाइस, नमस्कार। आज मैं जो टॉपिक लेकर चल रहा हूँ वो आप कलमस्ट्रेट मेथड से जो हम बीम में हम चेक करते हैं डिफ्लेक्शन में, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। तो जब भी कभी हम बीम को डिफ्लेक्शन में चेक करते हैं LSM मेथड से, तो इसमें कहा गया है कि L अपॉन D जो मैक्सिमम है वो 20 × KT के लगभग बराबर होना चाहिए। और इसमें जो KT का मान है वो क्या है हमारा, दैट इज़ द मॉडिफिकेशन फैक्टर। और उस मॉडिफिकेशन फैक्टर को हम निकालने के लिए हम करते क्या है कि पहले हम सर्विस स्ट्रेस निकालते हैं, और सर्विस स्ट्रेस का मान होता है 0.58 × Fy, और इसके बाद AST रिक्वायर्ड अपॉन AST प्रोवाइडेड। तो AST रिक्वायर्ड क्या है कि मान लीजिए किसी बीम में हमें AST का मान आता है 900 mm² और हम 20 mm की 3 बार अगर प्रयोग करते हैं तो उसका एक्चुअल एरिया आता है हमारा 942 mm². तो AST रिक्वायर्ड हमारा कितना होगा, दैट इज़ 900 mm², और AST प्रोवाइडेड दैट इज़ 942 mm². सो उसके आधार पर हम FS का मान निकाल लेते हैं, और जो फार्मूला मैंने अभी आपको बताया तो उस आधार पर हम FS का मान निकालते हैं। इसमें परसेंट स्टील भी और निकालते हैं। परसेंट स्टील क्या है हमारा, AST अपॉन BD इंटू 100, जहाँ पर AST क्या है, एरिया ऑफ स्टील फॉर द स्ट्रेट बार। अगर हमने किसी बीम में 5 बार ली हैं और 5 में से अगर हमने 2 बार बेंटअप किए, 3 बार जो स्ट्रेट बचती हैं हम उनका एरिया निकालेंगे, और उसका AST अपॉन BD इंटू 100 करके हम परसेंट स्टील निकालेंगे। इसके बाद एक ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ में मॉडिफिकेशन फैक्टर KT का मान दिया हुआ है और वाई एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो दिया हुआ है इसमें परसेंट स्टील का मान दिया गया है। तो जो भी आपका परसेंट स्टील है, इसके बाद जो FS के मान है, जो सर्विस स्ट्रेस का मान है, वो हमारा 120, 145, 190 और आपका 245 और 290 है, ठीक है। ये मानकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर उन्होंने दिया हुआ है। तो परसेंट स्टील के आधार पर जो हमारा FS का मान आया, वहाँ पर हम उसको ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम इंटरपोलेशन से हम निकालते हैं, और फिर उसके बाद उसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करने के बाद हम KT यानी मॉडिफिकेशन फैक्टर का मान निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आप देखेंगे कि L अपॉन D मैक्सिमम जो है 20 × KT, ये हमारा सिम्पली सपोर्टेड बीम के लिए, और L अपॉन D मैक्सिमम 7 × KT, ये हमारा किसके लिए, ये कैंटिलीवर बीम के लिए। तो इस तरह से आप देखें कि हम डिफ्लेक्शन में उस बीम को चेक कर सकते हैं। तो L अपॉन D जो है एक्चुअल में, वो मान हमारा L अपॉन D मैक्सिमम से हमेशा कम आना चाहिए, चाहे वो सिंपली सपोर्टेड बीम हो और चाहे वो आपकी कैंटिलीवर बीम हो, ठीक है। तो चलिए हम बोर्ड पर चलते हैं ताकि ये चीज़ें आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। तो यहाँ पर देखिएगा हम किस तरह से करते हैं। तो डिफ्लेक्शन में जब हम LSM में चेक करते हैं, केवल लिमिट स्टेट में हम डिफ्लेक्शन में चेक करते हैं, बाकी शेयर और बॉन्ड में हम वर्किंग स्ट्रेस में और लिमिट स्टेट में बीम को चेक जरूर करते हैं। तो LSM में जैसे मैंने अभी बताया कि L अपॉन D ये क्या है हमारा, दिस इज मैक्सिमम, इसका मान हमारा क्या है, 20 × KT, है ना। और ये जो मान है ये हमारा KT क्या है, सो व्हाट इज द KT, KT इज मॉडिफिकेशन फैक्टर, दिस इज नोन एज मॉडिफिकेशन फैक्टर, है ना। ये 20 × K2 कब है, ये सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है। और L अपॉन D मैक्सिमम इन केस ऑफ द कैंटिलीवर इट इज 7 × KT। तो ये ध्यान रखिएगा, दिस इज ओनली फॉर कैंटिलीवर बीम, ठीक है। तो अब ये कहते हैं कि L अपॉन D जो एक्चुअल है, यानी वास्तव में इफेक्टिव लेंथ बटे बीम की जो डेप्थ है, ठीक है, वो जितनी भी आती है वो आपका 20 × KT से कम होना चाहिए, यानी L अपॉन D मैक्सिमम से कम होना चाहिए। इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू L अपॉन D मैक्सिमम। तो कोई सी भी कंडीशन हो, इट मे बी आइदर 20 KT और इट मे बी और 7 KT, तो जो भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर जो KT का मान है ये हमारा किसके आधार पर है, हमारा सर्विस स्ट्रेस के आधार पर। तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, FS का मान निकालेंगे, जिसको हम कहते हैं सर्विस स्ट्रेस, मैंने हालांकि इसको बहुत छोटे से कह दिया है, जिसे नॉन एज सर्विस स्ट्रेस इन न्यूटन पर mm². और जहाँ पर FS का मान क्या है हमारा, 0.85, और इसके बाद आप देखेंगे इसमें 0.85 नहीं, 0.58 है, इसको ज़रा चेंज कर लें थोड़ा सा हम, तो 0.58 × Fy, फिर हमारा क्या है, AST रिक्वायर्ड डिवाइड बाई AST क्या है हमारा, प्रोवाइडेड। तो ये केस मैंने अभी बताया था कि AST रिक्वायर्ड अगर हमारा 900 mm² है और हमने 3 बार 20 mm की यूज़ किए, तो यहाँ पर कितना हो जाता है, 942 mm², तो यहाँ पर 900 और यहाँ पर 942, अगर इस तरह से हम लेते हैं। नॉर्मली करते क्या है कि जो हमारी बीम है
उसमें जो AST का मान है नंबर ऑफ 12वां राउंड में कर देते तो उसके कारण AST प्रोवाइडेड हमारा ज़्यादा था और AST रिक्वायर्ड हमारा कम आता है। FY क्या है, हमारी किसी भी स्टील की हमारी यील्ड स्ट्रेंथ है, जो हम 250 या 350 या 415 या 500 या 550 न्यूटन पर MSQ लेते हैं, तो इसके आधार पर हम FS का मान आसानी से निकाल लेते हैं। इसमें एक चीज़ की और जरूरत पड़ती है जिसको हम कहते हैं परसेंटेज स्टील, और इस परसेंटेज स्टील का मान क्या है हमारा, दैट इज़ AST अपॉन BD इंटू 100। तो यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि AST किसके लिए, फॉर द स्ट्रेट बार, AST फॉर स्ट्रेट, STRAIGST ओनली फॉर स्ट्रेट बार। तो अभी जो मैंने बताया कि अगर हमारा 5 बार किसी भी में हम ले लिए तो 2 बार बेंट अप के, 3 बार जो स्ट्रेट है, मान लो 20 mm की 3 बार स्ट्रेट हैं, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, 942 mm² डिवाइड बाई बी, बीम की चौड़ाई कितनी और डी इफेक्टिव गहराई कितनी है। तो जब आपको परसेंटेज स्टील और FS का मान मिल जाता है, इसके बाद हम सीधे ग्राफ पेपर पर आते हैं। तो ये ग्राफ बना हुआ कुछ इस तरह से बना हुआ है, यहाँ पर मैं फिगर बना रहा हूँ बहुत आसानी से, आप देखिएगा इस फिगर में यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने परसेंटेज स्टील, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू दिया इन्होंने KT का, एक ग्राफ बना हुआ है, KT इस तरह से मॉडिफिकेशन फैक्टर है जो इस तरह से जा रहा है, और यहाँ पर हमारी तीन वैल्यू इस तरह से ये दे रखी हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5 है ना। तो ये हमारे क्या है, ये FS वाले हमारे जो सर्विस स्ट्रेस हैं, ठीक है, वो उनके जो मान है न्यूटन पर MSQ में, वो मान यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका मान कितना है हमारा, जैसे मैंने ये बताया था, तो ये FS 120, ये FS आपका 145, ये आपका FS 190, ये FS आपका कितना है 245, और ये FS कितना है, दिस इज़ फॉर 290 न्यूटन पर MSQ, जो हमारा FS का मान है हमारे कितना है, दैट इज़ 290 न्यूटन पर MSQ। तो इस आधार पर जो हमारा FS का मान आया, तो हम इंटरपोलेशन से निकाल लेते हैं कि हमारे FS का मान अगर 145 और 190 के बीच में है, यानी कोई 180 का मान आता है या 175 पॉइंट समथिंग आता है ना, तो हम इसके बीच में लेकर चलेंगे, इंटरपोलेशन से निकालें FS का मान कहाँ है। परसेंटेज स्टील आपको मालूम है, इस आधार पर अगर मान लो परसेंटेज स्टील इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से ग्राफ है, ये इस तरह से ग्राफ बना हुआ है, ये यहाँ पर लाइन खींची गई है इस तरह से, इसी तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन है इस तरह से, ठीक है, और इसके आधार पर आप देखेंगे कि FS का मान इंटरपोलेशन से निकालने के बाद यहाँ प्लॉट करेंगे, फिर इसको जितना परसेंटेज स्टील है उसको यहाँ ले जाकर और फिर इसको हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करेंगे, तो यहाँ से आपको क्या होगा, सीधे आपको KT का मान मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो KT का मान है, यानी सपोज करें KT का मान अगर आता है यहाँ पर सपोज 1.2, KT का मान के चले 1.2 आता है, तो 20 × 1.2 12×24 यानी कितना जाएगा, इट विल कम 24 mm, है ना, KTM कितना होगा 24 आ जाएगा ना, यहाँ पर mm ना करके अगर हम इसको क्या कहें, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये कितना जाएगा 1.2 × 20, इट विल कम 12×24 यानी 24। तो ये L/D जो हमारा एक्चुअल में आ रहा है, इसका मान 24 के बराबर या 24 से कम आना चाहिए एक्चुअल में। इसी तरह से अगर 7 × KT है और यहाँ पर अगर ये कितना आ रहा है हमारा, KT का मान 1.5 आ रहा है, तो 1.5 × 7 इट इज़ 10.5। तो ये जो 10.5 है, ये हमारा क्या है, मैक्सिमम उसके अंदर डिफ्लेक्शन है, और जो एक्चुअल में डिफ्लेक्शन है वो आपका 10.5 के बराबर या 10.5 से कम आना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको ये ग्राफ पेपर दिया जाएगा और उस ग्राफ पेपर के माध्यम से आप आसानी से KT का मान इस तरह से आप देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें अगर बाय द वे कंप्रेशन में आता है, तो एक कंप्रेशन में भी इस तरह से ग्राफ दिया गया है इस तरह से, इसमें यहाँ पर क्या है, वही आपका परसेंटेज स्टील है ना, और इसके बाद यहाँ पर भी आपका एक कोफिशेंट का मान दिया गया है ना, इसको भी हम KT ही कहते हैं, इसको भी यहाँ पर हम KT कहते हैं, और इसका जो ग्राफ है वो लगभग इस तरह से आपका बना हुआ है। तो परसेंटेज स्टील के आधार पर आप सीधे KT का मान, आप यानी जो कोफिशेंट है जिसको मॉडिफिकेशन फैक्टर कहते हैं, वो कंप्रेशन में आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो दिस इज़ फॉर टेंशन, ये कब है, ये हमारा टेंशन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और ये हमारा किसके लिए, दैट इज़ फॉर द कंप्रेशन, दिस इज़ फॉर द कंप्रेशन, ठीक है, जहाँ पर हम ASC यूज़ करेंगे, जहाँ पर सिग्मा ASC यूज़ करेंगे वहाँ पर इसका प्रयोग करेंगे, और जहाँ पर हम 0.87 FI का मान यूज़ करेंगे वहाँ पर हम इसको यूज़ करेंगे। तो देखिए, ये आपको जो मैंने जानकारी दी है बहुत आसानी से आपको क्लियर करा दिया है, आप इस तरह से जो है जो वीडियो है इसको देखते रहें, और इसमें किसी भी तरह का कोई भी कमेंट है तो वो आप मुझे बहुत जल्दी पोस्ट कीजिएगा, ठीक है, थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच, प्लीज़ थैंक यू।